हेलो स्टूडेंट, आज हम जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके रिव्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसका पहला जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जब हम बात करें तो इसको लिखने के कुछ प्रेजेंट करने के कुछ मेथड होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है और रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे फॉर्म कंबाइन टू फॉर्म द अमोनिया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, लेफ्ट टू राइट, राइट। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं अमोनिया जो कि प्रोडक्ट बन चुका है, दे डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट हो जाती है। सेकंड जो हमें समझ आती है बात, वो ये कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। और रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रोडक्ट जो बन चुका है इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इंटू रिएक्टर, डेट इज इन दिस केस इट विल बी अमोनिया कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो वी कैन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टर। अच्छा, इनिशियली जो है अगर हम देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में तो रेट फास्ट होगा क्योंकि सारे रिएक्टर जो है वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, और ग्रेजुअली जब मैक्सिमम अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा इट विल बी ग्रेजुअली स्लो डाउन। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इनिशियली तो हमारे पास ज़ीरो है, कोई क्वांटिटी नहीं है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इनिशियली तो ये ज़ीरो होगा, लेकिन ग्रेजुअली जब प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में बन जाता है तो फिर ये ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है स्टेट ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर एट विच द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन रेट। यानी ये जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बन जाता है तो प्रोडक्ट विल बी अगेन कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। इसको समझने के लिए हम ये दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो काम होगा ये इतनी जो स्मूथली होगा कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल, ठीक है। इसको हम इससे ग्राफ से भी देख सकते हैं। इनिशियल में हमारे पास हाइड्रोजन थी और नाइट्रोजन, ये दोनों गैशियस स्टेट में थी। थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू अमोनिया एज अ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक स्टेबिलिटी कायम हो जाएगी, और ये स्टेबिलिटी क्या करेगी, कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर देगी। अगर एक भी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट में तो दोबारा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और ये काम होता रहेगा, और इसी को हम एक्चुअली जो है केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इस स्टेबिलिटी कायम होने के बाद, एक केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद, अब अगर एक भी मॉलिक्यूल जो है बना है दोबारा तो इट विल बी डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट अगेन, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्विवेलेंट टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन अदर वर्ड्स दिस देयर इज नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल उनकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो कि दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अगेन। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इस तरह की जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया एक्टिव मास, एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्शन।
इट मीन्स कि जितना रिएक्टेंट का एक्टिव मास होगा इतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और जितना ही प्रोडक्ट एक्टिव मास होगा इतना ही रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमारे पास इनिशियली ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं सी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन की बात की जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, और इनका जो यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, फॉर अ डायल्यूट सोल्यूशन एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको लिखते किस तरह है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। राइट, शॉर्ट के लिए इतना काफ़ी आई थिंक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, स्टेट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन कौन सी हमें चाहिए होती है इक्विलिब्रियम के, तो इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशंस होनी होती है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें कंसंट्रेशन चेंज की बात की जाती है, प्रेशर चेंज की बात की जाती है, टेम्परेचर चेंज की बात की जाती है, और एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट की बात की जाती है। इन चारों तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर सकते हैं। द सिस्टम मस्ट बी क्लोज, सिस्टम हमेशा क्लोज होना चाहिए। ओपन सिस्टम में ये सारे जो है कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती, मीनिंग नो सब्सटेंस कैन एंटर और लीव द सिस्टम। जो इसके अंदर कॉन्टेंट है वो फिक्स्ड है, इसके अंदर ना तो हम ऐड करेंगे ना ही कोई कॉन्टेंट रिलीज होगा। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये जो इक्विलिब्रियम डेवलप्ड होता है क्लोज कंटेनर के अंदर, ये एक्चुअली डायनामिक प्रोसेस होता है। इवन दो वी डोंट नेसरली सी द रिएक्शन, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स आर टेकिंग प्लेस, और हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा होता है। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन मस्ट बी इक्वल, और हमेशा रेट जो है वो बराबर होता है। जितना प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है इतना वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है, और दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाता है। राइट, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट हैव टू बी इक्वल। दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते, ठीक है, कंसंट्रेशन इक्वल होती है। हाउएवर आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेंड, इट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाती है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी कॉन्स्टेंट। तो जब रिएक्टेंट, जब कंसंट्रेशन डेवलप हो गया और इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड कर लिया उसने, तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। राइट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट जो होते हैं वो उस रिएक्शन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ प्रिडिक्शन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें अंदाज़ा हो जाता है। हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन क्या, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं या कुछ और चेंज करते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। राइट, तो इसको हम कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और वी कैन से कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हम ये भी मालूम कर सकते हैं। होप सो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से आ गया होगा और आप जो है इसको आराम से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं।